और इस मन को वश में करना। मैं ये नहीं करती कि केवल ओशो मेडिटेशन ही इसका हल है, लेकिन ये एक उन हलों में से आसान तरीका है जो आपके पास पहुंच सकता है। आइए इस प्रोग्राम को हम स्वामी देव जी की कृपा से आगे बढ़ाते हैं और अपने जीवन में अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि यदि आप ये सारे कार्यक्रम में दिखाए गए प्रयोगों को अपने जीवन में अपनाएं, तो एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में इतना सुधार आएगा, इतना चेंज आएगा कि आप अपने आप को ही हल्का महसूस करेंगे। अब सब समस्याओं का हल आपके सामने आसानी से आ जाएगा। हमारे बड़ों ने कहा है कि जब भी आपके जीवन में कोई भी कठिनाई हो, अपनी आंखें बंद करें और अपने माता पिता और परमेश्वर को याद करें। यही तो एक तरीका है। यहाँ भी आपको यही करना है, अपनी थोड़े समय के लिए अपने आप को शांत करके बैठना है और उस परम पिता परमेश्वर से अपने आप को जोड़ना है। और इस आसान तरीके से अगर हम इतने असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, तो क्यों ना शुरुआत करें, क्यों ना इसका आरंभ करें। हम क्यों और वक्त का इंतजार कर रहे हैं, दिन पे दिन ये समस्याएं जटिल होती जा रही हैं। तो दोस्तों चलिए हम इस प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और मेरा पूरा सहयोग रहेगा और आपके सहयोग से हम इसे आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद।